हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल यस की मिश्री। अभी आप सक्सेस और ये क्लास 11 के चैप्टर फर्स्ट का हमारा अगला पार्ट है, सॉरी क्लास 11 के बायोलॉजी का, क्लास 11वीं के एनसीईआरटी बायोलॉजी का विथ नोट्स के साथ एनसीईआरटी का पूरा पूरा इन हिंदी मीडियम वालों के लिए अगला पार्ट है। सभी आप पार्ट को चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का जाके प्ले लिस्ट में वॉच कर सकते हैं, और जहाँ पर न समझ आए आप कमेंट कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आज हम लोग का जो टॉपिक कवर करने वाले हैं ये करेंगे कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। कुछ जीवधारी कौन कौन से हैं, उनके वैज्ञानिक नाम कौन कौन से होते हैं, साधारण नाम और वैज्ञानिक नाम। ठीक है, मैं आपको पूरा पूरा एनसीईआरटी से रिलेटेड ही लाता हूँ और एनसीईआरटी को ही बता रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से बनते हैं, वो चाहे नीट के एग्जाम हो या फिर आपके बोर्ड एग्जाम हो। तो ये हमारा क्लास 11th यानी कि कक्षा 11वीं का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए है सर, इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं। हमारा आता है साधारण नाम। साधारण नाम में पहला जो लेते हैं वो लेते हैं मानव। मानव क्या है हमारा, यह एक ह्यूमन है, मानव, ठीक है ना। अगर मानव साधारण नाम क्या होता है, मानव ही होता है, मनुष्य। वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस। क्या होता है, होमो सेपियंस होता है, सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस। ये मानव का क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम है सेपियंस, ठीक है। फिर दूसरा आता है, वो आता है कुत्ता। कुत्ता क्या बोलते हैं, डॉग, ठीक है, मैं इसको समझ लेना, कुत्ता क्या बोलते हैं, डॉग। डॉग का वैज्ञानिक नाम क्या आता है, कैनिस। क्या होता है, कैनिस फैमी फै मी ली ए रे सी, फैमिली एरेसी नाम होता है किसका, कुत्ते का। यहाँ पे लिख सकते हैं KNIS, कैनिस, FAMILIARIS, फैमिली एरिस, ठीक है। तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है चीता, टाइगर। क्या होता है, चीता। चीता का साधारण नाम क्या होता है, चीता ही होता है, और वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पैंथेरा ट्राइगिस। क्या होता है, पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, PANTHER, पैंथेरा टाइग्रिस, टाइग्रिस, ठीक है। फिर हमारा आता है चौथा। चौथा क्या आता है, वो आता है आपका कबूतर। कबूतर, अगर कोई बोले कि कबूतर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कबूतर का नाम वैज्ञानिक नाम होता है कोलंबा लीविया। क्या होता है, कोलंबा लीविया होता है, कोलंबा लीविया किसका नाम है, कबूतर का नाम होता है। तो कबूतर का क्या नाम होता है, कोलंबा लीविया होता है। फिर पांचवा आता है, पांचवा हमारा क्या होता है, घरेलू मक्खी यानी कि हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी। तो घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, घरेलू मक्खी का होता है मस्का डोमेस्टिका। क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका। ये मस्का डोमेस्टिका किसका नाम होता है, घरेलू मक्खी का नाम होता है। छठवां आता है आपका, वो आता है केचुआ। तो केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो केचुआ का वैज्ञानिक नाम होता है फेरिटिमा पोनसुथुमा। क्या होता है, फेरिटिमा पोनसुथुमा होता है, ठीक है। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आता है काकरोच। तो काकरोच का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो काकरोच का वैज्ञानिक नाम होता है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, अमेरिकाना होता है, इसका क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आता है खरगोश। खरगोश, तो खरगोश का वैज्ञानिक क्या होता है, तो खरगोश का वैज्ञानिक नाम होता है
ऑरिटोलैगस लैगस क्यूनिकुलस क्यूनिकुलस होता है। फिर आता है नवा हमारा क्या आता है आम। आम का अगर बोले वैज्ञानिक नाम तो आम का बता देना मैंजीफेरा इंडिका। क्या होता है मैंजीफेरा इंडिका किसका नाम होता है आम का नाम होता है। फिर है दसवां हमारा क्या होता है गेहूं व्हीट माने गेहूं होता है ना तो गेहूं क्या नाम होता है टीकम एस टीवम टीटिकम एवेस्टिवम होता है। फिर आता है तुलसी जानते हैं ना तुलसी का कहाँ उपयोग खाने में उपयोग किया जाता है चाय में करते हैं ओसिमम सैंकटम हमारा तुलसी का होता है। फिर बारहवां आता है गुड़हल। क्या है गुड़हल तो गुड़हल का क्या होता है गुड़हल का होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस होता है ठीक ना साइनेंसिस ठीक है। फिर आता है तेरहवां हमारा क्या है सरसों का मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है तो सरसों का होता है हमारा ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रस इसका नाम होता है ठीक ना। फिर आता हमारा होता है चौदहवां हमारा क्या है वो है मटर का क्या होता है तो पाइसम सेटाइवम पाइसम सेटाइवम। तो ये मेरे प्यारे बच्चों कुछ साधारण नाम और वैज्ञानिक नाम थे। ये हमारा पार्ट अगला है और फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आगे डिस्कशन करूंगा। वर्गीकरण विज्ञान एवं वर्गीकरण सिद्धांत के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसको याद कर लीजिए छोटा सा मैंने अलग से इसको पार्ट को बना दिया है। क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट का है और ये साधारण नाम वैज्ञानिक नाम यहाँ से कुछ ना कुछ पूछ ले जाते हैं इसलिए मैंने इसको बना दिया है। बाकी सभी आपको चैप्टर विज्ञान के चाहे वो हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी का आपको नोट्स के साथ अवेलेबल हो जाएगा। ओके दोस्तों थैंक यू जय हिंद।